नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को टक से लाइक कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि इस बार 7 अक्टूबर को शुरू हो रहा है और 14 अक्टूबर को समाप्ति होगा। नवरात्रि के ये दिन माँ आदि शक्ति दुर्गा को समर्पित होता है। इन दिनों माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस बार माता रानी नवरात्रि पर डोली पर सवार होकर अपने भक्तों के घर आएंगे। नवरात्रि के पावन अवसर पर माँ दुर्गा को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास माना जाता है। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी हमारे घरों पर उपवास करें, हम पर प्रसन्न हो, हम पर सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे घरों में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनकी वजह से माता रानी हमारे घर में प्रवेश नहीं करती। माता रानी को साफ सफाई बेहद पसंद है। टूटी फूटी खराब बंद पड़ी चीजों के चलते घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रहता है और ऐसे घर में माता रानी का आगमन नहीं होता। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें नवरात्रि से पहले घर से बाहर निकाल देना सबसे उचित माना गया है। अगर आप इन चीजों को नवरात्रि से पहले घर से बाहर निकाल दे दे तो इससे आपको माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा, साथ ही आपकी आर्थिक समस्या भी दूर हो जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखे जय माता दी और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पवित्र होते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में आचार विचार और घर को साफ सफाई और पवित्र रखना अति आवश्यक है। इसीलिए नवरात्रि के 9 दिनों में ब्रह्मचार्य का पालन किया जाता है और तामसिक भोजन ग्रहण नहीं किया जाता। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के भक्तों को प्याज, लहसुन, मांस मदिरा और अंडे से दूर रहना चाहिए। अधिकतर भक्त इन नियमों का पालन भी करते हैं, लेकिन एक गलती कर बैठते हैं। वह नवरात्रि के 9 दिनों में अपने घर इन अपवित्र चीजों को रख लेते हैं। ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी अपने भक्तों के घर में वास करती हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में वास करें, तो आप अपने घर के वातावरण को पवित्र रखें और नवरात्रि शुरू होने से पहले ही अपने घर से प्याज, लहसुन, मीट, अंडा और मदिरा को बाहर निकाल दें और अपने घर को साफ रखें। इन वस्तुओं को घर से बाहर निकालने के बाद अपने घर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बगैर गंगा जल छिड़काव कोई भी मंगल कार्य सफल नहीं माना जाता। गंगा जल का छिड़काव स्वयं भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बताया था। अगर आपके घर में गंगा जल ना हो तो मार्केट से गौमूत्र ला सकते हैं और गौमूत्र लाकर आप गौमूत्र का अपने घर में छिड़काव करें। बस थोड़ा सा पानी में डाल ले, इससे आपके घर का वातावरण पवित्र हो जाएगा। घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाएगा और जिस घर में वातावरण पवित्र होता है और नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती, वह माता रानी का वास सदैव होता है। नवरात्रि के पहले आप अपने पूरे घर के एक अच्छे तरह से साफ सफाई कर ले। घर में जो भी फालतू सामान है, फटे पुराने कपड़े, उन्हें बाहर निकाल दे। घर में बेकार पड़ा सामान नकारात्मक ऊर्जा लाता है, इसीलिए गंदगी बिल्कुल भी ना करें। धूप दीप जलाकर वातावरण को स्वच्छ रखें। दोस्तों, माता के आगमन के लिए घर का दरवाजा जरूर सजाना चाहिए। इससे माता रानी प्रसन्न होती है और घर के द्वार में प्रवेश करती है। माँ के आगमन के लिए द्वार को फूलों से सजाना चाहिए। दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं जो माता रानी की चौकी कागज बिछाकर बनाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत माना गया है। माता की चौकी के लिए आप नीचे लाल कपड़ा ही बिछाएं। काला कपड़ा और सफेद कपड़ा भूल कर भी नहीं बिछाना चाहिए। ध्यान रखें कि कपड़ा फटा भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर में देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां या फटा हुआ चित्र अगर हो, तो उसे किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर दें।
क्योंकि ऐसी मूर्तियां और चित्र दुर्भाग्य लाती हैं। देवी देवताओं के खंडित मूर्ति की पूजा ना करें और ना ही उन्हें घर में रखें, क्योंकि उन्हें घर में रखना बुरा माना जाता है। दोस्तों, वहीं अधिकतर लोग अपने छत पर या अपने घर के मुख्य दरवाजे के आसपास कबार इकट्ठा कर देते हैं और ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर आपने भी अपने घर में घर के मुख्य दरवाजे पर या छत पर या फिर खासकर घर की उत्तर दिशा में कबार इकट्ठा कर दिया है तो नवरात्रि शुरू होने से पहले उस कबार को घर से अवश्य ही निकाल दें। दोस्तों, यदि आपके घर कोई भी बंद घड़ी है तो नवरात्रि शुरू होने से पहले उसे अपने घर से हटा दें और नई घड़ी ले आए या उसके मरम्मत करवा लें। घड़ी को प्रगति का प्रतीक माना जाता है। बंद घड़ी समय से पीछे चलने वाली हमारी प्रगति में बाधा डालती है, इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले ही आप बंद घड़ी को घर से बाहर निकाल दें। दोस्तों, अगर आपके घर में मंदिर में किसी तरह का कोई फालतू सामान रखा है, जैसे कि सरे गले फूल, अगरबत्ती, धूप बत्ती के डिब्बे या माचिस आदि के डिब्बे या कोई भी खाली पैकेट मंदिर के ना रखे, या फिर कोई फटे पुराने धार्मिक पुस्तक या भगवान के कोई भी पुराने कपड़े जो फट गए हैं या मुकुट माला जो खराब हो गई है, तो उन्हें आप जितना जल्दी हो सके अपने मंदिर से हटा दें। नवरात्रि से पहले आप अपने मंदिर की और मंदिर के आसपास की साफ सफाई अवश्य ही करें, तभी आप माता रानी की चौकी स्थापित करें। इसके साथ ही आप अपने धन रखने के स्थान की सफाई भी अवश्य करें, क्योंकि नवरात्रि के दौरान माता रानी लक्ष्मी भी घर प्रवेश करती है। धन रखने के स्थान पर किसी भी तरह का कोई भी फालतू सामान, टूटा हुआ सामान ना रखें। धन रखने के स्थान को मंदिर की तरह ही साफ रखें। नवरात्रि के दौरान माता रानी की पूजा में कौड़ियों को शामिल करें। माता रानी के साथ साथ रोजाना कौड़ी का भी पूजन करें। इसके बाद आप कौड़ी को धन रखने के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से बरकत हमेशा होता है। अगर आपके पास पुराने जूते चप्पल इकट्ठे हो गए हैं तो नवरात्रि से पहले उन्हें घर से बाहर निकाल दें। पुराने जूते चप्पल की अशुभता के कारण ही घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है और घर में अशांति और कलह का माहौल रहता है। नवरात्रि आने से पहले घर से जाला निकालना ना भूलें। अगर जिस घर में जाला होता है और उस घर में माता रानी कभी वास नहीं करती, साथ ही साथ टूटे फूटे बर्तन अगर घर में पड़े हैं या टूटा हुआ आईना भी अगर घर में हो तो उसे भी निकाल दे। घर में टूटे फूटे ईंट पत्थर भी नहीं रखना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। दोस्तों, अगर आप वाकई में सच्चे दिल से माँ शेरावाली को अपने घर में बुलाना चाहती हैं तो सच्चे मन से कृपया एक बार कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दे